मैं जिस इशू के ऊपर रखने जा रहा हूं वो है जो आजकल काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि दिल्ली का इंटेलिजेंशिया, ब्यूरोक्रेट्स, सुप्रीम कोर्ट किसानों को एक जैसे गुंडे लोग होते हैं, बदमाश होते हैं या जान लेने वाले लोग होते हैं, इस तरह से पेश कर रहे हैं कि किसान पराली जला के वातावरण को इतना गंदा कर रहे हैं कि लोगों की जानें जा रही हैं। पहली बात तो ये मैं साफ करना चाहता हूँ कि किसान को बोला जाता है कि किसान एक वो शख्स है, और मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किसान अगर अपनी मेहनत ना करे और अपनी मेहनत से इस धरती से चीज़ों को पैदा ना करे तो इस धरती पर कोई जीवन नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम देखें इसको कि एक माँ के गर्भ में जब बच्चा शुरू होता है बनना, तब से लेकर 90-100 साल तक जब जीवन चलता है, इस पूरे समय में किसान की पैदा की हुई चीज़ें, वो गेहूं है, चावल है, फल है, सब्जियां हैं, दाल है, दूध है, वही जीवन को लगातार चलने के लिए एक गारंटी करती है। तो 9 महीने के बाद जब बच्चा इस संसार में आता है, तब भी कुदरत का पानी, धूप, हवा के बगैर उसको चाहिए किसान की पैदा की हुई चीज़ें, और माँ के पेट के अंदर भी वो अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए वो सब चीज़ें अपने अंदर ले जाता है बच्चा, और बच्चा पूरा तंदुरुस्त पैदा होता है अगर हमारी चीज़ें उसको मिलती हैं। सो हमें कातिल बोलने वाले, हमें जान लेने वाले लोगों को पहले सोचना चाहिए कि हम वो लोग हैं जिसकी चीज़ों से मोदी जी, वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, वो बड़ा क्रिकेट का खिलाड़ी हो, या बहुत बड़ा कोई फिल्म का एक्टर हो, या बहुत बड़ा संसार का कोई पहलवान हो, हमारी पैदा की हुई चीज़ों से ही उनका जीवन और जीवन का चलन होता है। दूसरी बात मैं एक पंजाब की उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। पंजाब में एक शहर है बठिंडा। बठिंडा शहर से राजस्थान के एक शहर बीकानेर को एक गाड़ी चलती है, उस गाड़ी का नाम दे दिया है लोगों ने कैंसर ट्रेन, क्योंकि उस गाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो सफ़र करते हैं वो पंजाब के लोग। बीकानेर में एक बड़ा हॉस्पिटल है जो कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, वो वहाँ कैंसर का इलाज करवाने के लिए जाते हैं। अब क्या बात है, क्योंकि ये खेती का मॉडल, जिस मॉडल को हमने नहीं, हमारी सरकारों ने यूपी हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, वो मॉडल हमको दिया, और उस मॉडल से इतने केमिकल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड आए कि लोगों को कैंसर होने लगा। तो कैंसर ज़्यादा बढ़ गया, पानी में, हवा में, मिट्टी में, खुराक में, हर जगह तो अभी चीज़ इस तरह का पोल्यूशन है, तो इस पोल्यूशन से कैंसर होने लगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को ये सब चीज़ें नहीं पता कि खेती में लगने वाले लोग, खेती का उपजों को यूज़ करने वाले लोगों को इतना कैंसर हो रहा है, इतने बीमार हो रहे हैं, उसका नोटिस सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लेता? सुप्रीम कोर्ट जो 15-20 दिन का उसका नोटिस क्यों लेता है जब यूपी और उत्तराखंड के लोग गन्ने की पत्ती जलाते हैं या पंजाब के लोग पराली जलाते हैं? अब किसानों को ना पराली जलाने की ज़रूरत है, ना पत्ती जलाने की ज़रूरत है, अगर उस वेस्टेज का यहाँ की सरकारें, यहाँ की कंपनियाँ, यहाँ का मार्केटिंग को जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसका कोई हल कर दे। हमें कोई बहुत शौक है उसको जलाने का, हमें अगर उस पराली को आप थर्मल पावर प्लांट में जलाइए, आप उसकी ईंटें बनाइए, आप उसका गत्ता बनाइए, आप उसका कागज़ बनाइए, वो फैक्ट्री लगाओ वहाँ से, तो हमारी चीज़ बिकने लगेगी, हमको क्या। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि उस पराली को आप अपने खर्च करके अपनी जगह पर उसको इकट्ठा करो। अब उसके लिए बड़े ट्रैक्टर चाहिए, बड़ी मल्चिंग मशीन चाहिए, बड़े बड़े रोलिंग मशीन चाहिए, कटने के लिए उसको मशीन चाहिए,
और उससे खर्चा बढ़ जाता है। जो किसान पहले ही कर्ज के मारे हुए, अब रिपोर्ट तो ये कहती है केंद्र गवर्नमेंट की, इसके होम मिनिस्ट्री की, कि 3 लाख से ज़्यादा 4 लाख के करीब किसान खुदकुशी कर चुके हैं। अब उनको आप खर्चा बढ़ा के और कर्ज में धकेल दो और उनको कर्जदार करके और खुदकुशियां शुरू कर दो। क्या सुप्रीम कोर्ट को या केंद्र सरकार को नहीं पता कि ऑलरेडी खुदकशियां कर रहे लोग, ऑलरेडी लोग भूख से मर रहे लोग, ऑलरेडी लोगों के अंदर इस तरह की, उसका नोटिस क्यों नहीं लेता सुप्रीम कोर्ट हमारा? क्यों दिल्ली में आई एक हवा का 1 महीने का जो, और उसमें मैं हैरान हूँ, मैं क्योंकि पंजाब से है, थोड़ा पंजाब की बात बोलना चाहता हूँ। दिल्ली जिस दिन अभी लास्ट डे सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुआ, मैं ये स्वीकार करना चाहता हूँ कि उस दिन, उससे 2 दिन पहले पंजाब और हरियाणा में पराली को आग नहीं थी लगी, बीच में हरियाणा है। अब दिल्ली का इतना पोल्यूशन है, ठंड आ गई है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, उसके पार्टिकल बन के एक स्मोगी वातावरण बन हो जाता है, उसमें थोड़ा बहुत अगर पंजाब हरियाणा से आ रहा है तो उसको मुख्य दोषी बना दीजिए आप। सो मैं इस मंच से बोलना चाहता हूँ कि हम उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा और पंजाब के किसान ये मानते हैं कि हमारी मजबूरी है ये पराली और पत्ती को जलाना, हम शौक से नहीं जलाते। दूसरी बात, ये जो हमारे ऊपर इस तरह का दोष मढ़ा जा रहा है या मढ़ा गया है, हम इसकी निखेधी करते हैं, इसको गलत बोलते हैं और हम ये चैलेंज करते हैं सरकार को कि ये जो दिल्ली में बैठे जो लोग हैं या सरकार है, कि अगर आप इस तरह केस, अभी केस बना दिए किसानों के ऊपर, जुर्माने कर दिए किसानों के ऊपर, फर्स्ट इस मंच से हमारी ये डिमांड है कि वो तमाम केस खत्म किए जाएं, तमाम जुर्माने रद्द किए जाएं। दूसरी बात, हम किसान तो इस जहां भोजन देता है वहां ये वृक्ष लगा के इसकी फसलें जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, ऑक्सीजन छोड़ती हैं, हम तो वातावरण को साफ रखते हैं, कौन कह, हम पानी निकालते हैं ज़मीन से, साफ पानी होता। तो ये जो दोष हमारे ऊपर लगता है कि हम पोल्यूट करते हैं वातावरण को, ये बिल्कुल गलत बात है। इनका जो खेती का मॉडल ये लाए हैं अपने मुनाफों के लिए, इन्होंने कॉरपोरेट घरानों ने जो इतने इतने मुनाफे बना लिए हैं हमारे खेती के चलते, अब वापस हम कोई दोषी ठहरा रहे हैं। सो इसलिए दोस्तों, आखिर में मैं चेतावनी देना चाहता हूं, और ये ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से अगर इस तरह से ज्यादती किसानों के साथ होती रही तो दिल्ली को हम चैलेंज करते हैं कि हमारा पोल्यूशन नहीं, किसी दिन करोड़ों लोग आएंगे और तुमको घेरेंगे और तुमको असली सजा देंगे जो लोगों की तरफ से आना चाहिए। धन्यवाद। ये खुशी की बात है कि 2 मुद्दों पर सारे राष्ट्र के किसान के लिए जो मंच लड़ रहा था उसने अभी किसानों, खेतिहर मजदूरों और खेती पर दारंदार दूसरे मुद्दे भी सम्मिलित किए। मुझे वृद्धावस्था पेंशन पर बोलना है। हम ये क्यों मांग रहे हैं? मांगने से कोई देता नहीं है। मोदी सरकार जब से आई है वो किसानों की आमदनी डबल करने की बात कह रही है, लेकिन स्थिति क्या है? आज देश का जो ग्रामीण भारत है उसका 49% गरीबी रेखा से नीचे है। आज तक किसी सरकार ने नहीं बताया कि किसी किसान की आमदनी कितनी है। 2016 का जो इकोनॉमिक सोशल सर्वे है वो कहता है कि 75% किसानों की मासिक आमदनी 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं, 6-7% लोग भीख पर गुजारा कर रहे हैं, 4% लोग कबाड़ इकट्ठा करके चुन के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। अब जानते हैं अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन ने इस राष्ट्र को दिखाया कि 80% लोग, 80% परिवार ऐसे हैं जिनकी व्यक्ति की आमदनी रोजाना 20 रुपए से ज़्यादा नहीं। तो ये ऊपर से महंगाई है, बेरोजगारी है, और जब से ये ग्लोबलाइजेशन
पूंजीपतियों का भूमंडलीकरण की नीति आई है, जो हमारे देश की केंद्र हो प्रदेश की सभी सरकारों ने लागू की है, उसके चलते जितना सब्सिडी थी वो खत्म हो गई। कीटनाशक जो हम डालते हैं उसमें 2/3 सब्सिडी तो खत्म कर दिया। तो इस तरह से, और बिजली पानी ये सब महंगे होते गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ देख रहे हैं कि इन सरकारों ने जो बड़े पूंजीपति हैं, बड़े घराने हैं, जिनको कॉरपोरेट हाउसेज आप कहते हैं, उनको 50 लाख करोड़ से ज़्यादा सरकार ने टैक्सों में या दूसरे तरह से उनको लाभ पहुंचाया। तो किसानों का जो स्थिति है, किसानों की स्थिति यह है कि उनकी जो जिनस है हमारी, उसके लिए खरीदने के लिए कोई तंत्र नहीं है। हमारे कश्मीर के साथी बोलेंगे, जैसे देश के दूसरे हिस्सों में हम देख रहे हैं कि इस बार एक तरफ मोदी का 370 धारा को खत्म करने से जो पाबंदियां लगाई हैं, फासिस्ट कार्रवाई हो रही है, और दूसरी तरफ जो प्रकृति का बर्फबारी का मार हुई, उसके चलते कश्मीर के किसानों का भी, उनको कोई ये फसल खरीदने वाला कोई मिला नहीं। आप जानते हैं कि आज जो हमारी फसल खरीदी जाती है, वो पहले जो सामंती दौर में होता था, गांव की गांव में खरीद बेच दी, वो नहीं है। अब कृषि अर्थनीति में कहीं सामंतवाद का नामो निशान नहीं। हमारी कृषि जिनस की जो मंडी है, इस मंडी के ऊपर बड़ी पूंजी का कब्जा है। शेयर होल्डर्स, शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, ये बड़े बड़े इसको कंट्रोल करते हैं। इसके सामने किसान लाचार है। और देश का किसान 70-80% छोटे किसान, इस किसान की आमदनी, जो हमारा खेत मजदूर सबसे दयनीय स्थिति में है, जिसका कोई आमदनी नहीं है, इसका आमदनी उस खेत मजदूर से भी कम है। तो ऐसी स्थिति में सोशल सिक्योरिटीज जो थी, सामाजिक सुरक्षाएं थी, ग्लोबलाइजेशन के बाद वो खत्म कर दी गई। हमारे कर्मचारी आज मांग रहे हैं पेंशन, उनको पेंशन नहीं। कर्मचारी जो सरकार का था, उसको 2 अनश्योर्ड सुनिश्चित बेनिफिट मिलते थे, एक मासिक वेतन और दूसरा रिटायरमेंट के बाद पेंशन। हम कहते हैं, हम किसान किसके लिए कमाते हैं? अपना पेट के लिए कमाते हैं। ये कश्मीर का किसान फल उगाता है, एक उत्तर प्रदेश का किसान गन्ना उगाता है, पंजाब का किसान कपास उगाता है, सारा देश का किसान धान उगाता है, अपना पेट के लिए उगाता है, ये सारा राष्ट्र के लिए, देश के लिए। और सबसे बढ़कर जो अमीर हैं, वो उसको सबसे ज्यादा फायदा लेते हैं। तो इसका जो MSP दिया जाता है वो उचित नहीं है, वो सही नहीं है। तो इसका बहुत सारा जो लूट किए जाती है, हम राष्ट्र से मांग कर रहे हैं, राष्ट्र की सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा जो लूट होती है, उस लूट को बंद किया जाए और हमारी कमाई का एक हिस्सा हमको पेंशन के रूप में दिया जाए, हमको पेंशन के रूप में दिया जाए। जिस यूरोप की तुम दुहाई देते हो, अमेरिका भाग के जाते हो, तो यूरोप में भाग के जाते हो, उस यूरोप में भी ओल्ड एज पेंशन बेनिफिट्स हैं, लेकिन हमारे यहां क्या है? तो हम मांग करते हैं, हमारी ये AI के SCC मांग करती है कि कम से कम 5,000 रुपया, कम से कम 5,000 रुपया हर किसान को, खेतीहर मजदूर को, बटाईदार को, दस्तकार को, मछुआरा को, जो भी खेती के अंदर है, ये 10,000 रुपया मासिक उसको दिया जाए। और हम तो ये भी कह रहे हैं, ये मोदी सरकार ने किसान सम्मान 500 रुपया, वो भी बातें हो रही हैं, दिया नहीं है, खाते खुले हैं, पैसा नहीं आया। तो किसान सम्मान, ये सम्मान है अपमान? तो ये कम से कम हम लोग जो 10,000 रुपया AI के SCC मांग रहे हैं, मेरा अपना संगठन ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन मांग कर रहा है कि हर महीना सिर्फ विरोध को नहीं, कोई भी किसान है, पुरुष किसान है, नारी किसान है, युवा किसान है, उसको 6,000 रुपया हर महीना उसको पेंशन के रूप में मिलना चाहिए। लेकिन साथियों, मांगने से और प्रस्ताव पास कर देने से कोई देता नहीं, इसके लिए हम आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन छोड़कर कानून इस देश में पहले भी बहुत हैं, और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं किसानों के हित में, खेतीहरों के हित में ये 2 बड़े कानून जो आए, लेकिन फिर भी कितनी अच्छी सरकार हो,
कितनी अच्छी सरकार हो, नीतियां कितनी भी अच्छी हो, जब तक हम सरकार पर दबाव नहीं बनाते तब तक वो मंजूर नहीं होती हैं, लागू नहीं होती हैं, धरातल पर नहीं आती। इसलिए आंदोलन में जाना होगा। और मैं कहता हूं हम पेंशन की मांग कर रहे हैं, दूसरी मांगे हम कर रहे हैं, लेकिन एक बात हम लोगों को सभी को इस हाउस में याद रखनी है, हिंदुस्तान के एक एक किसान को बताना है, वो ये है कि हमको बांटा जा रहा है। अगर हम बटे तो कहीं के नहीं रहेंगे। याद रखिए, अंग्रेज आया तब राजाओं का टुकड़ों टुकड़ों में हिंदुस्तान था, बंगाल ये वो जो अलग अलग थे, लेकिन अंग्रेज के खिलाफ हम सब एक हो गए। आज हमको हर प्रांत के, उन्नाव में किसानों पर जुल्म हुआ, कश्मीर के किसानों को कुछ नहीं मिला, मध्य प्रदेश के किसानों पर हमला हुआ, जमीनें सारे हिंदुस्तान में। तो मेरा कहना है कि हम एक एक प्रांत के, एक एक जिला के, हर क्षेत्र में तमाम किसान एक मंच पर आकर लड़ेंगे और जंगी आंदोलन करेंगे। आजाद भारत ने एक इंडिया, आजाद भारत जब हुआ तो एक इंडिया राजनीतिक रूप से एक सर्व भारत बना, लेकिन इस भारत पर पूंजीपतियों का कब्जा हो गया। आज ये पूंजीपति सारा हिंदुस्तान के किसानों को शोषण कर रहे हैं। इस शोषित पीड़ित किसानों को एकजुट होकर आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने तमाम हक लेने होंगे। इतना ही कह के मैं अपना व्यक्त समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, AIKSCC के मन से संघर्ष आगे बढ़े। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।